इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और इसे हम कैसे समझ सकते हैं। आइए समझते हैं व्हाट इज रोटेशनल मोशन एक एग्जांपल से। कंसीडर कर लेते हैं ये एक ओरिजिन है। अब इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कोई एक पार्टिकल है m जिसकी डिस्टेंस है r वेक्टर और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस ओरिजिन के या पॉइंट के अराउंड, सर्कुलर मोशन इस तरीके से। तो किसी पॉइंट के अराउंड किसी पोजीशन डिस्टेंस पर अगर कोई पार्टिकल जिसका मास m है v वेलोसिटी से मूव करता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है, किसी पॉइंट के अराउंड, सर्कुलर मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन। और यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एंगुलर मोमेंटम। तो हम डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रोटेशनल मोशन। तो बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम तो ये होता है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड रेडियस रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम एंड रेडियस का प्रोडक्ट होता है। इसको हम जे से लिख सकते हैं, आ जाएगा जे वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा ये आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, जहाँ पर पी क्या होता है, मोमेंटम। यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो देखेंगे मास एम एंड वेलोसिटी वी है, तो पी इज इक्वल्स टू होता है एम वी, यानी कि मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट लीनियर मोमेंटम कहलाता है और ये इस तरीके से मोशन कर रहा है। तो लीनियर मोमेंटम एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ रेडियस क्या कहलाता है, एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। पी की वैल्यू होती है एम वी, यहाँ पर पुट कर सकते हैं जे इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये आर वेक्टर क्रॉस एम वी वैक्टर। अब यहाँ पर जो एम है ये मास होता है और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको हम बाहर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ये एम आर क्रॉस वी वैक्टर, यहाँ पर ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। वैसे अगर बात करते हैं कि इसको किसी और फॉर्म में कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि रिलेशन होता है हमारे पास में वेलोसिटी का, वी वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा क्रॉस आर, जहां पर ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी एंड आर होती है रेडियस या पोजीशन। अब आप यहां पर देखेंगे अगर हमको चाहिए कि यहां पर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये आर और पी का वेक्टर प्रोडक्ट है, इसको हम आसानी से स्क्रूला से या फिर पामला से निकाल सकते हैं या फिर राइट हैंड से। देखेंगे इसकी डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, ये होता है पहला वेक्टर, ये होता है दूसरा वेक्टर और इन दोनों का प्रोडक्ट होता है तीसरा वेक्टर रिजल्टेंट। तो हम क्या करते हैं, अपने राइट हैंड को आर की डायरेक्शन में रखते हैं इस तरीके से, आर की डायरेक्शन ये है, उसके बाद में पी की डायरेक्शन में उंगलियों को टर्न करते हैं, मोड़ते हैं। तो देखेंगे हमने ये इस डायरेक्शन में रख दिया और यहाँ पर इस तरीके से उंगलियाँ मुड़ गई, पहले आर के डायरेक्शन में, अब उंगलियों को फिंगर्स को मोड़ना है किस डायरेक्शन में, पी की डायरेक्शन में। अगर इस तरीके से मुड़ जाती हैं तो यहाँ पर जो हमारा थंब होगा वो होगा एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, इसका मतलब आर पी, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर इस डायरेक्शन में ओरिजिन के अपवर्ड। मान लो अगर ये मोशन यहाँ पर होता तो क्या होता, वापस से हाथ रखते, उंगलियाँ इधर मोड़ लिए मोमेंटम की, तो ऐसा करेंगे नीचे मुड़ गई उंगलियाँ रखी आर की तरफ और ये पी की तरफ मोड़ दी, तो ये अंदर की ओर, तो मोशन यहाँ पर होगा तो बाहर की ओर, यहाँ पर होगा तो अंदर की ओर। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम जहाँ पर मोशन हो रहा होता है उस ओरिजिन के परपेंडिकुलर होता है, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। इस तरीके से हमारे पास में ये आ गया, तो वी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा जे वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एम तो कॉन्स्टेंट है एज इट इज आर वेक्टर और यहाँ पर वी की वैल्यू ये रही, तो क्रॉस यहाँ पर आ जाएगा ये ओमेगा क्रॉस आर। अब यहाँ पर ये ट्रिपल क्रॉस बन गया और इसका हमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी क्रॉस अगर सी है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बी ए डॉट सी माइनस यहाँ पर आ जाएगा ये ए बी डॉट
सी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ए हो गया आर, बी हो गया ओमेगा और आर हो गया सी, अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ये जे वैक्टर इज इक्वल्स टू, एम तो कॉन्स्टेंट है ब्रैकेट में। अब पहला बात करते हैं बी, यानी कि ओमेगा बार, और यहाँ पर आ जाएगा ये आर डॉट आर माइनस, अब क्या ए बार रहेगा यानी कि आर, और यहाँ पर आ जाएगा ये ओमेगा डॉट आर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ओमेगा डॉट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यानी कि कोस, और कोस 90 क्या होता है जीरो, यानी कि ओमेगा और आर दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ओमेगा की डायरेक्शन आप यहाँ से निकाल सकते हैं, हमेशा कहाँ पर होती है एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन में। आप देखेंगे ये वी है आर की डायरेक्शन में, ओमेगा ये ओमेगा है, हम हाथ के रखेंगे आर की डायरेक्शन में वी निकालेंगे तो यहाँ से ओमेगा निकल कर आ जाएगा। तो आपको ऑलवेज मेमोराइज कर लेना है कि जो ओमेगा होता है ये ऑलवेज होता है एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन होगा इसी एक्सिस पर, इसलिए आर और ओमेगा दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों के बीच में एंगल 90 होता है, इसलिए ओमेगा डॉट आर हम लिख सकते हैं ओमेगा आर कोस थीटा, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 90, और कोस 90 क्या होता है जीरो, तो ओमेगा डॉट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर ये यह होता है आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर हो जाएगा आर आर, इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा जीरो, और मैक्सिमम आर आर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली टर्म्स जीरो हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं जे वेक्टर इज इक्वल्स टू एम ओमेगा आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। अब जैसे ही बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की, तो कितना हो जाएगा ये मैग्नीट्यूड, यहाँ पर हो जाएगा ये एम ओमेगा आर स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं जे इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब यहाँ पर जो ये एम आर स्क्वायर है ये एक नई टर्म होती है, इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया, आई इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा ये एम आर स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखें अगर ये आर जीरो हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा एंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया जीरो, तो हम इसको लिख सकते हैं जे इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, जहाँ पर आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, आई मोमेंट ऑफ इनर्सिया। अगर आई जीरो हो तो जे हमेशा क्या होगा जीरो, और आई कब जीरो हो सकता है जब आर जीरो हो, तो जिस तरीके से लीनियर मोशन में मोमेंटम होता है उसी तरीके से एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है, दोनों का सेम रोल है, जो रोल लीनियर मोमेंटम का लीनियर मोशन में है वही रोल एंगुलर मोमेंटम का रोटेशनल मोशन में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है मोमेंटम डिपेंड करता है मास इनटू वेलोसिटी, जबकि एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पर जो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अब देखेंगे अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर घूम रहा है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया जीरो हो जाएगा क्योंकि आर जीरो हो जाएगी, और जब भी आर जीरो होगा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा जीरो, यानी कि कोई पार्टिकल इस तरीके से मोशन कर रहा है, एक पार्टिकल ऐसा मोशन कर रहा है इसके रेस्पेक्ट में, एक ऐसा मोशन कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा जीरो, क्योंकि ये ओरिजिन पर ही है जिसके लिए पोजीशन आर क्या है जीरो है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं जे का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी है, जे को हम अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जे क्या हो गया आई इंटू ओमेगा, ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी एंड आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया। फिर या हम जे को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जे होता है आर क्रॉस पी, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर पी साइन थीटा, पी इज इक्वल्स टू होता है एम वी, तो जे इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर एम वी साइन थीटा। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक फॉर्म और भी हो सकती है, हम जानते हैं जे वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है आर क्रॉस पी, और इसको हम डिटर्मिनेंट या मोड से ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा ये आई कैप जे कैप के कैप, यानी कि जहाँ पर भी वेक्टर प्रोडक्ट होता है वहाँ पर इसको ओपन करते हैं। अब देखेंगे आर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आर एक्स आर वाई आर जेड, वैसे यहाँ पर हो जाएगा ये पी एक्स पी वाई पी जेड, क्योंकि हम जानते हैं जो जे वेक्टर होगा वो हो जाएगा जे एक्स आई कैप जे वाई जे कैप, और ये हो जाएगा जे जेड
के कैप। वैसे ही आर भी क्या है, पोजिशन वैक्टर ही हो जाएगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। वैसे ही मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, ये पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप और ये पी जेड के कैप। तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, आर क्रॉस पी, आर की वैल्यू एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर हम इसको आर एक्स नहीं है, फिर एक्स वाई जेड लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। ये लो एक्स वाई जेड। हालांकि हम यहाँ पर आर एक्स आर वाई आर जेड भी लिख सकते हैं, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं, वहाँ से पी भी आ जाएगा, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो इस तरीके से एक फॉर्म ये हो सकती है, एक फॉर्म ये हो सकती है, तो यहाँ पर बहुत सारी फॉर्म हो सकती हैं। बट आपको याद रखना है, जिस तरीके से लीनियर मोशन में मोमेंटम इंपॉर्टेंट होता है, एम इंटू वी जो कि मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, उसी तरीके से एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सेम रोल है, बस मोशन अलग अलग हैं। लेकिन अगर बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक नई क्वांटिटी, जो रोल यहाँ पर मास का था वो रोल यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। कोई ज़रूरी नहीं कि मास होगा तो एंगुलर मोमेंटम होगा, अगर कोई मास है और वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मोमेंटम होगा। लेकिन अगर कोई मास है और वो रोटेशनल मोशन कर रहा है अपनी एक्सिस पर, तो एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, क्योंकि मास के साथ साथ में डिस्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई मास यहाँ पर मोशन कर रहा है तो मास तो है लेकिन पोजीशन क्या है, ज़ीरो, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन आर का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई पार्टिकल आर डिस्टेंस में मूव कर रहा है, अब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्योंकि आई एम आर स्क्वायर, आर के ज़ीरो होने पर आई ज़ीरो हो जाता है, और जब भी आई ज़ीरो होगा एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज ज़ीरो होगा। तो एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है किस पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्स्टेंट है, यानी कि पार्टिकल मास कॉन्स्टेंट है, रेडियस कॉन्स्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं जो जे होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। यानी कि जितनी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना ही एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा कब होगा, जब मोमेंट ऑफ इनर्जिया कॉन्स्टेंट हो, और मोमेंट ऑफ इनर्जिया कॉन्स्टेंट कब हो सकता है, जब मास कॉन्स्टेंट हो एंड डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हो, और ये दोनों कॉन्स्टेंट है तो ऑलवेज जो बात करते हैं आई कॉन्स्टेंट होगा। उस सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम होती है। कहाँ पर होती है, अपवर्ड, या तो यहाँ पर या यहाँ पर। तो दोस्तों यही था एंगुलर मोमेंटम, और ये पूरी हम लेक्चर सीरीज़ बना रहे हैं रोटेशनल मोशन की। अगर आप चाहें तो इस लेक्चर सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं, और अभी तक हम मैकेनिक्स के मोर देन 60 लेक्चर एक्सप्लेन कर चुके हैं, अगर आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।